गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है सैटरडे, वीकेंड स्टार्ट हो गया एंड ये रथ यात्रा वाला वीकेंड है टोरंटो में। सो प्लान हो रहा था कि हम कल जाने वाले हैं रथ यात्रा के लिए, लेकिन रथ यात्रा आज हो रहा है। यंग एंड डंडास से स्टार्ट हुआ है जो टोरंटो आइलैंड जाएंगे एंड देन टोरंटो आइलैंड में 3 दिन का फेस्टिवल है। यंग एंड डंडास से रथ यात्रा निकली है और सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल हमारे घर के पास है, तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट दर्शन करके आते हैं और कल टोरंटो आइलैंड जाके फुल कवर करेंगे। जगन्नाथपुरी की जय। जगन्नाथपुरी की जय। कल की रथ यात्रा देखने के बाद आज हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे वो रथ है एंड वहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस भी सेलिब्रेट हो रहा है। इट्स लाइक अ फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग। So yes, we are going to Toronto Island. Taxi भी option है और आगे में government ferry भी है। Let's go to the government ferry. So ferry के लिए हम पहुंच गए, यहाँ से ferry लेंगे और center island जाएंगे। लाइन बहुत ही लंबी है। ओह माय गॉड, समर में एवरीवन टेंड्स टू गेट आउट एंड वीकेंड्स में तो रश होना ही होना है, तो हमारा निकलते निकलते लेट भी हो गया, बट स्टिल वी आर हैप्पी। इट्स सनी, ब्राइट एंड आई फील वी आर गोना हैव अ गुड टाइम। सो या लेट्स सी वहां पे क्या कैसा है, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिप टू सेंट्रल आइलैंड। होपफुली ये बहुत ही अच्छा होगा। वी आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड। मुंबई लोकल में आ रहे, ऊपर देखते तो जगह ही नहीं था अल्टीमेटली। हम पहुंचे नहीं है अभी कि मेरे को जाने का टेंशन हो गया, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा लंबी लाइन है रिटर्निंग वाले में। चलो पहले यहाँ एंजॉय करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर आगे का प्लान बनाते हैं। सो पहले लोकेट करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। राइट, क्या बोल रही हो काजल? आई कैन हियर भजन। चलो यहाँ पे ही आसपास कहीं हो रहा है, पड़ेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे हो रहा होगा शायद। ऑलरेडी अच्छा लग रहा शुरू होना का जी, भजन का मतलब तो हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है, आगे चेक करते हैं। काफ़ी फेस्टिवल लग रहा है, called something, yaar. It's feeling so good.
लोग चले गए, वो वहाँ पे प्ले हो रहा था और प्ले इतना बढ़िया था, इट वॉज ऑल अबाउट लाइफ। तो स्टार्टिंग में दिखाया कि एक फ़िश था, फ़िश को बहुत बड़ा बनना था, वो सरफेस पे गया, वहाँ पे उसने जॉब करी, जॉब से निकाला गया, उसके बाद लाइफ में उसको ड्रग्स का नशा लगा, उसने फॉर्चून टेलर का साथ लिया एंड ऑल दोज थिंग्स, और लास्ट में ही पता चला कि जहाँ से वो आया था वही सही डेस्टिनेशन है एंड दैट इज़ वेयर इट वेंट। तो बहुत ही मस्त प्ले था, मतलब हम लोग बस खो ही गए थे। घर से लेट निकले थे ये सोच के कि चलो ठीक है हम शाम में इंजॉय करेंगे बिकॉज धूप बहुत तेज थी, बट 5 बजे सब कुछ बंद हो रहा है, इट्स 5:30। बट इसमें गलती हमारी है, हम टाइम पे आ गए थे बट हम प्ले देखने में बिजी हो गए थे बिकॉज प्ले बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा स्किट बताए, हमने दो स्किट देखा वो दोनों ही बहुत अच्छा था, बट हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट नेवर्थलेस अगले साल एक्सप्लोर करेंगे, बट स्किट बहुत ज़्यादा अच्छा था, सो वी एंजॉयड इट अ लॉट। ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए ओवरऑल, अभी जो भी बचा है उसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल हुआ है एंड अबाउट लाइफ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है कि बस सुन के मज़ा ही आ जा रहा है। रथ यात्रा वाला जो भी था वो हो चुका है, बट अभी हमें लगी है बहुत ज़ोर की भूख, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इतनी जल्दी, इट्स अराउंड 6 PM। तो सौरभ गए हैं खाना वगैरह देखने के लिए, अगर कुछ मिलता है तो पहले खाते क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लग गई है, सो लेट्स ईट फर्स्ट एंड देन एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ सेंटर आइलैंड। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि आज हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि बिकॉज इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है। सो अभी हम लोग खाना लेंगे एंड एक जगह आराम से बैठे थोड़ा चिल करेंगे। क्या हमें यहाँ खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा। फाइनली गॉट अ फूड सबवे, हीटेड हंग्री यस। सो खाना पीना हो गया है डन, अब हम जा रहे हैं सनसेट एंजॉय करने, सो एक अच्छा सा स्पॉट देके बैठते हैं। तो सूरज थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट जगह खोजना पड़ेगा। और काजल बट वेयर टू फाइंड द प्लेस, कहीं मिल ही नहीं रहा। क्या काजल मिल गया जगह? क्यों ये सीएन टावर का व्यू है बट हमें सनसेट का व्यू चाहिए। दैट्स सो नाइस यार। या सनसेट व्यू। तो हमारा प्लान तो था सनसेट देखने का बट आसमान में बादल घिर गए हैं और सूरज देवता कहीं नहीं दिख रहे, तो सनसेट तो हमें अभी दिखने से रहा, सनसेट होने में अभी भी टाइम है, बट मैंने वेदर फोरकास्ट देखा एंड इट्स गोना रेन। लेकिन दिन बहुत ही अच्छा था आज का। We could walk this autumn town, find a place to be alone, look into your eyes. Feeling butterflies. We could dance under the stars, fall into each other's arms. Nowhere else we need to be, just you and me. We can't lose this love, so hold on to what we know we have. वो कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमें सनसेट देखना था एंड हमें उस पॉइंट से सनसेट नहीं दिख रहा था, ना ही हमें कोई सनसेट पॉइंट दिख रहा था, हम थोड़ा इधर चल के हमें सनसेट पॉइंट दिख गया एंड वी कैन सी द सनसेट, लुक एट द सनसेट। Finally, we got to see sunset as well. और हमारा दिन यहीं पे खत्म होता है। तो इस ब्लॉग को भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Till then, keep enjoying because it's your time to shine. Bye bye.